सरोकार। तो मुंडी पासी का अतीक कांड में एक बड़ा बयान आया है। तो मुंडी पासी ने अतीक हत्याकांड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मुंडी पासी ने कहा कि अतीक मेरा कट्टर दुश्मन था। मुंडी पासी का शाइस्ता की मदद से भी साफ तौर पर इनकार है और इस दौरान मुंडी पासी ने कहा है कि अतीक मेरा कट्टर दुश्मन था और शाइस्ता से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मेरे ऊपर लगे आरोप सारे गलत है। मुंडी पासी ने इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो पूरे गलत है। अतीक ने मेरे भाई को मरवाया था। मुंडी पासी ने ये बयान दिया है। तो अतीक हत्याकांड को लेकर मुंडी पासी का इस दौरान एक बड़ा बयान सामने आया है। मुंडी पासी ने कहा कि अतीक मेरा कट्टर दुश्मन था और शाइस्ता का मुझे कोई भी अता पता नहीं है। मुंडी पासी का शाइस्ता की मदद से भी इनकार, क्योंकि मुंडी पासी पर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि मुंडी पासी ने शाइस्ता को छिपाने में मदद की है। लेकिन अब मुंडी पासी ने खुलकर ये बयान दिया है कि शाइस्ता से मेरा किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं है, मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो गलत हैं। मेरे माँ बाप मर गए, भाई भी मर गए, मेरी भौजाई भी मर गई। चुनाव की पीरियड मरिया डील धोखे से बुलाई शाइस्ता परवीन, ये महिलाओं की थी। वो कहीं मुंडी चलना है, हम जब वहाँ देखे कि चुनाव के पीरियड है, भाग आए। शाइस्ता कैसी औरत थी? गोरी से है, तगड़ी से। कैसा नेचर था उसका? हम आधे घंटे में क्या बता पाएंगे? आप कह रही हैं कि भाई मारे गए, शाइस्ता परवीन या अतीक अहमद ने मरवाए? नहीं, मेरे भाई मारे गए। किसने मरवाया? पासी के पता कर लीजिए कि अतीक अहमद मरवाए हैं। कौन मरवाए? अतीक अहमद। इधर देख के बोलिए, इधर देख के बोलिए। लाश भी नहीं मिली, मूलचंद पासी की लाश भी नहीं मिली। तब विधायक किसने किसने मरवाया था? मूलचंद पासी को। किसने मरवाया? अतीक अहमद। उस समय अतीक अहमद सांसद थे या विधायक थे? कब और क्यों? क्या बहुत पहले तब विधायक थे, तब हम भी छोटे थे, हमारे भाई टेकवाड़ी भी नहीं मिली। सुना मुंडी पासी ने अतीक हत्याकांड के बीच एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल मुंडी पासी पर लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था कि उसने शाइस्ता को छिपाने में मदद की है। तो वही अब मुंडी पासी ने सफाई पेश करते हुए कहा कि मुझे धोखे से बुलाया गया, मुझे चुनाव के बहाने बुलाया गया था और मुझे अब झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अब मुंडी पासी ने एक बड़ा बयान दिया है। पूरे घटना को हम देखे हैं तो बीते 24 फरवरी से इस घटना की शुरुआत होती है, जब अधिवक्ता उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है और इस पूरे घटना में अतीक एंड कंपनी का नाम सामने आता है। हालांकि इस पूरे घटना की अगर बात की जाए तो इस पूरे घटना में शामिल अतीक अशरफ तथा अतीक का बेटा शूटर गुलाम वो जो है मारे जा चुके हैं। लेकिन इस पूरे घटना में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का नाम आया और शाइस्ता परवीन लगातार उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही है। हालांकि कुछ दिनों पहले यह खबर सामने आई कि शाइस्ता परवीन को मुंडी पासी मदद कर रही है और इसीलिए शाइस्ता परवीन को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आज बड़े नाटकीय तरीके से मुंडी पासी ने मीडिया के सामने ये बड़ा बयान दिया है। मुंडी पासी ने साफ तौर पर इन आरोपों का खंडन किया है। मुंडी पासी का कहना है कि अतीक अहमद उसका कट्टर दुश्मन है तथा अतीक अहमद ने ही मुंडी पासी के भाई को मरवाया था और शाइस्ता परवीन ने चुनाव के बहाने मुंडी पासी को अपने पास बुलाया था। हालांकि ठीक है, लेकिन पवन अब यहाँ पे ये जानना बहुत अहम हो जाता है कि आखिर पुलिस को ये कैसे पता चला कि मुंडी पासी ने शाइस्ता को छिपाने में मदद की है। जी बिल्कुल, अगर पूरे उमेश पाल हत्याकांड की हम जड़ से बात करें और शुरुआत से बात करें तो तमाम ऐसे नाम सामने आए थे, क्योंकि अभी इस पूरे घटना में वो सबसे बड़ा जो नाम है गुड्डू मुस्लिम वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शाइस्ता परवीन के ऊपर लगातार 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। ऐसे में तमाम वो नाम सामने आए थे जो अतीक और शाइस्ता तथा अतीक एंड कंपनी को मदद पहुंचा रहे थे। हालांकि ये जो मीडिया रिपोर्ट है इसके मुताबिक ये कहा गया था कि शाइस्ता परवीन को मुंडी पासी मदद कर रही है और इसी आरोपों का खंडन करने के लिए आज मुंडी पासी ने नाटकीय तरीके से मीडिया के सामने ये बड़ा बयान दिया है। हालांकि मुंडी पासी का ये जो बयान है तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन पुलिस इस पूरे बयान पर जांच पड़ताल कर रही है और बयान देने के बाद ही मुंडी पासी फिर से लापता हो गई है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन पवन, लगातार जो लोग हैं इस हत्याकांड में शामिल, उमेश पाल हत्याकांड में शामिल, वो मीडिया के सामने आते हैं, अपना बयान देते हैं और फिर लापता हो जाते हैं और पुलिस के हाथ यूं ही खाली रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? जी बिल्कुल, यही सवाल मीडिया कर्मियों द्वारा किया गया कि अगर आपके ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं जा रही।
इस पूरे मामले पर मुंडी पासी ने साफ तौर पर कह दिया कि पुलिस जो है मुंडी पासी पर गलत तरीके से आरोप लगा रही है। अगर वो पुलिस के पास जाती है तो पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि ये जो बातें हैं निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, कितने बड़े आरोप से अगर कोई घिरा है तो उसको पुलिस की मदद लेनी चाहिए। लेकिन मुंडी पासी का नाम शाइस्ता परवीन के मददगार के रूप में सामने आया है, तब से लगातार पुलिस जो है वो मुंडी पासी की भी तलाश कर रही है और इन्हीं आरोपों का खंडन करने के लिए आज मुंडी पासी ने मीडिया के सामने ये बड़ा बयान दिया है। ठीक है पवन, अभी आपने जिक्र किया कि मुंडी पासी पर लगातार जो है बड़े बड़े आरोप लग रहे थे, ऐसे में मुंडी पासी आती है मीडिया के सामने मुखातिब होती है, अपने बयान देती है और फिर लापता हो जाती है, तो आखिर इस दौरान पुलिस कहाँ थी? क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के कोई प्रयास नहीं किया? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जिस तरीके से मुंडी पासी भरे बाजार में मीडिया के सामने ये बयान देती है, वहां पे तमाम वो लोग होते हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे में पुलिस वहां तक नहीं पहुंची, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि कल प्रयागराज में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा है, ऐसे में तमाम जो वो आला अधिकारी है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चुनावी जनसभा की तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन आज जिस तरीके से मुंडी पासी के बयान के बाद पुलिस की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई और वहां पर किसी तरह के कोई आला अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, तो एक बड़ा सवाल है वो खड़ा हो रहा है। जी मुस्कान, ठीक है पवन, जिस तरीके से आज ये मुंडी पासी ने खुद ही मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बयान दिया, तो ये मुंडी पासी का डर है जो वो बिना किसी पूछताछ के या बिना पुलिस के पास गए सीधा मीडिया के सामने आ गई? जी बिल्कुल, जो इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है मुस्कान वो यह है कि मुंडी पासी के ऊपर भी 3 मुकदमे दर्ज है। हालांकि मुंडी पासी जो है वो भी आपराधिक प्रवृत्ति की महिला बताई जा रही है, इससे शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि मुंडी पासी ने पुलिस के पास जाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जिस तरीके से आज मुंडी पासी का जो बयान है वो मीडिया के सामने आता है, ऐसे में आला अधिकारियों की जो चुप्पी है वो एक बड़े सवाल की ओर ले जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में किस तरह की कार्यवाही होगी ये महत्वपूर्ण होगा। जी मुस्कान, बिल्कुल, धन्यवाद पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से मुंडी पासी के ऊपर तमाम आरोप लग रहे थे, उसी बीच मुंडी पासी एक बार खुद ही मीडिया से मुखातिब हुई है, तो एक बार फिर से आपको पहले मुंडी पासी का वो बयान सुनाते हैं। मेरे माँ बाप मर गए, भाई भी मर गए, मेरी भौजाई भी मर गई, चुनाव की पीरियड मरिया डील धोखे से बुलाई शाइस्ता परवीन, ये महिलाओं की थी और कहीं मुंडी चलना है, हम जब वहाँ देखे कि चुनाव के पीरियड है भाग आए। शाइस्ता कैसी औरत थी? गोरी से है, तगड़ी से। कैसा नेचर था उसका? हम आधे घंटे में क्या बता पाएंगे? आप कह रही हैं कि भाई मारे गए, शाइस्ता परवीन या अतीक अहमद ने मरवाए? नहीं, मेरे भाई मारे गए। किसने मरवाए? पासी के पता कर लीजिए कि अतीक अहमद मरवाए हैं। कौन मरवाए? अतीक अहमद। इधर देख के बोलिए, इधर देख के बोलिए। लहास भी नहीं मिली, मूलचंद पासी की लहास भी नहीं मिली, तब विधायक। किसने किसने मरवाया था? मूलचंद पासी को। किसने मरवाया? अतीक अहमद। उस समय अतीक अहमद सांसद या विधायक थे? कब और क्यों? क्या कहा? बहुत पहले तब विधायक थे, तभी हम भी छोटे थे, हमारे भाई कटवाड़ी भी नहीं। तो आपने सुना कि मुंडी पासी ने मीडिया के सामने आकर ये बयान दिया है कि उसने शाइस्ता की किसी भी तरीके से मदद नहीं की है और शाइस्ता से वो मुलाकात करने गई, लेकिन शाइस्ता ने उसे धोखे से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। तो लखनऊ में ईवीएम प्रिपरेशन और ईवीएम कमीशनिंग के कार्यों का जायजा लिया गया है, तो निकाय चुनाव के पहले निर्वाचन प्रेक्षक लीना जौहरी ने निरीक्षण किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार भी इस निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे हैं, तो ये निरीक्षण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निरीक्षण में ईवीएम प्रिपरेशन और ईवीएम कमीशनिंग कार्यों का जायजा लिया गया, वहीं सूर्यपाल गंगवार भी मौजूद रहे। रमाबाई अंबेडकर रैली स्थल में बने स्ट्रांग रूम का जायजा भी लिया गया है, तो ईवीएम प्रिपरेशन और ईवीएम कमीशनिंग के कार्यों का जायजा लिया गया है लखनऊ में। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।